हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2022 बलेनो का बेस वेरिएंट यानी सिग्मा, जो कि ऑपुलेंट रेड कलर में अवेलेबल है। और इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस बेस वेरिएंट का प्राइस है 6.35 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है 7.20 लाख। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसमें मिलती रहती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कलर ऑप्शंस की। न्यू बलेनो 2022 अवेलेबल है टोटल 6 कलर्स में, जो कि है नेक्सा ब्लू, ऑपुलेंट रेड, लक्स बीज, आर्कटिक व्हाइट, ग्रेंडियर ग्रे एंड स्प्लेंडेड सिल्वर कलर्स में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं इसके डिजाइन डायनेमिक्स की। तो फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव लग रही है, और बेस वेरिएंट में भी काफ़ी ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है दोस्तों। और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हेलोजन बल्ब और टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड नहीं किया गया है। एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं फॉग लैम्प। इसका फ्रंट ग्रिल रीडिजाइन दिया गया है, ब्लैक कलर में है, और इसमें क्रोम इंसर्ट्स नहीं दिया गया है, ब्लैक कलर में दिया गया है, और बीच में सुजुकी का लोगो। फ्रंट कैमरा आपको इसमें नहीं मिलते हैं। और वहीं हम एयर डैम की बात करें तो ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किया गया है इसका फॉग लैम्प। हाउसिंग टोटली रीडिजाइन दिया गया है, फ्रंट बम्पर टोटली आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहीं बॉनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बेस वेरिएंट यानी सिग्मा का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। और इसके साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्टड, रियर में टोर्जन बीम दिया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 15 इंच के स्टील व्हील मिलता है। व्हील साइज है 185/65R15। और फेंडर पे टोन इंडिकेटर, ORBM आपको ब्लैक कलर में मैन्युअली एडजस्टेड दिया गया है कुछ इस तरह का इसका रूफ लाइन। और बी पिलर यहाँ पे बॉडी कलर में ही दिया गया है। बॉडी कलर ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का, आपको यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ प्रोवाइड किया गया है 3990 mm, विथ 1745 mm, हाइट 1500 mm, व्हील बेस 2520 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, बूट स्पेस 318 लीटर एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 37 लीटर। ओल्ड बलेनो के कंपैरिजन में इसके हाइट, लेंथ और बूट स्पेस डिक्रीज कर दिया गया है, और साथ ही इसका वेट बढ़ा दिया गया है। इसके रियर प्रोफाइल में आपको न्यू डिज़ाइन के LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह देखने में लगता है। और सबसे ऊपर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। इसके साथ ही बेस वेरिएंट में भी आपको डिफॉगर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हालांकि रियर वाइपर नहीं दिया गया है, और इसमें क्रोम फिनिश आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर जरूर दिया गया है। रियर बम्पर के दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। टेल गेट के लेफ्ट साइड बलेनो की बैजिंग, बीच में सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिलता है, नीचे नंबर प्लेट की जगह कुछ इस तरह आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिलता है बलेनो बेस वेरिएंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के ग्रैब हैंडल ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर, और पावर विंडो के कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट्स देखने को मिलता है, और 1 लीटर का वाटर होल्डर, थोड़ी सी जगह कुछ इस तरह का, यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह, और डैशबोर्ड लेआउट बेस वेरिएंट का कुछ इस तरह, चेकआउट कीजिएगा। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड दिया गया है हेडलैम्प लेबलर और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे फैब्रिक अपोस्टी कुछ इस तरह का दिया गया है, जिसकी कुशनिंग काफी अच्छी खासी है। और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी फीचर्स की। इसके सेंटर कंसोल बेस वेरिएंट का कुछ इस तरह रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, हैंड ब्रेक पे आपको ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में दिया गया है। जस्ट उसके आगे 2 कप होल्डर, 12 वोल्ट का चार्जर। बेस वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इसमें
इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं कराया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह रहने वाले हैं, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, ड्राइवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील बेस वेरिएंट में मिलता है, फ्लैट बॉटम टिल्टेबल जिसमें कोई भी कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, ग्लोव बॉक्स में जस्ट सफिशियंट जगह आपको देखने को मिलता है। वहीं इसमें आपको आईआरपीएम डे नाइट दिया गया है कुछ इस तरह का, और ट्राई टोन में डैशबोर्ड लेआउट बेस वेरिएंट से ही सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए। एसी वेरिएंट पे कार्बन फाइबर टच दिया गया है जो कि एक प्लस पॉइंट है। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया, ड्राइवर साइड भी नहीं दिया गया है, साथ में कैबिन लाइट भी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे बार बार नजर जा रही है दोस्तों, बेस वेरिएंट में भी दिया गया है। और इंटीरियर स्पेस एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफी स्पेशियस। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। यहाँ पे फैब्रिक टच आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का। पावर विंडो के कंट्रोल बेस वेरिएंट में भी दिया गया है, और यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, और बूट स्पेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 318 लीटर का पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया। अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर एसी वेंट आपको बेस वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं किया गया है। 12 बोर्ड का चार्जर, रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो बेस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है, जस्ट आइडिया आप एक बार ले सकते हैं। और कैबिन लाइट आपको सेंटर में दिया गया है, फ्रंट में नहीं दिया गया है बेस वेरिएंट में। और इसके अलावा चारों ओर ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। लेगरूम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पर लेगरूम मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हेडरूम की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जिसके लिए एक बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर फोर सिलेंडर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन, जो कि 89 bhp की पावर 6000 rpm पे एंड 113 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4400 rpm पे। ट्रांसमिशन आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और माइलेज की अगर हम बात करें तो 22.35 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों, जो कि ओल्ड बलेनो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है दोस्तों। और वहीं इसका वजन भी बढ़ा दिया गया है। न्यू बलेनो का बोनट ओपन करते ही इसका बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है दोस्तों, काफी भारी है दोस्तों, जो कि आपको देखने से ही पता लगेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। न्यू बलेनो 2022 सिग्मा यानी बेस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, एबीएस पीडीबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, ब्रेक असिस्ट, डे नाइट आईआरबीएम, प्रीटेस्टर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, ड्राइवर साइड एंटी पिंच पावर विंडो, पावर डोर लॉक्स, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। यानी कि बेस वेरिएंट इसका बहुत ही जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू न्यू बलेनो 2022 सिग्मा बेस वेरिएंट की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।